पीएम मोदी की सरप्राइज विजिट पर रूबिका लियाकत हुई ट्रोल, लोगों ने जमकर लगाई लताड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात को सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पीएम मोदी रात करीब 8:45 पर निर्माण स्थल पर गए थे। उन्होंने साइट पर तकरीबन एक घंटे का समय बिताया और निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की पहले से किसी को भी जानकारी नहीं थी, सिवाय कैमरामैन के। इस दौरान पीएम मोदी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहने जाने वाला हेलमेट भी लगा रखा था। राजधानी दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। वहीं इस मामले पर एबीपी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने भी ट्वीट किया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी की कंस्ट्रक्शन साइट वाली तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 पर बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग एक घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में सच में नहीं है। रूबिका लियाकत को ट्वीट करना इस कदर भारी पड़ गया कि लोगों ने बिना देर लगाए एक के बाद एक निशाने पर लेना शुरू कर दिया और जमकर लताड़ लगाई। आशीष नाम के यूजर लिखते हैं, क्या लेवल है पत्रकारिता का, हमारे देश के पत्रकारों का। विजय फुलारा नाम के यूजर ने लिखा, क्यों, आपने पढ़ी है क्या इनकी डिक्शनरी। मीना कोतवाल नाम की यूजर लिखती है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, मैं भी थक जाती हूं और कहती हूं कि कोई काम नहीं, सच बताइए आप थकते क्यों नहीं, आप अपनी कुर्सी को लेकर पॉजिटिव है या आपको मजा आता है काम करके, क्या आप कोई टॉनिक लेते हैं, रस क्या है। रूबिका के सवाल के बाद पीएम साहब को पानी पीना पड़ा। विपिन परिहार नाम के यूजर ने लिखा, मोदी को मास्क पहनना तो सिखा दो। विजय फुलारा नाम के यूजर एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी, सिर्फ कैमरामैन था, ओके। ऐसे ही अन्य कई यूजर्स हैं जो लगातार मामले पर प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।